फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गाइज हमारे जो भी फाउंडेशन है, फ्लोरिंग है, प्लिंथ लेवल है, टाइल्स है, पेंटिंग है, उसके जो भी रेट्स है उसके बारे में। और एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल्स डिस्कस करूँगा गाइज लास्ट में, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना। और जो भी साइट वर्क होते हैं हमारे, जो भी वर्किंग होते हैं, पेंटिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग, ब्रिक मैसनरी, प्लिंथ, फाउंडेशन, डूअर्स, स्टील वर्क, ड्रेनेज वर्क, वुड वर्क, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में एसेंशियल है गाइस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हमारे हर एक चीज़ के बारे में, जो कि RCC के बारे में होगी, PCC, अर्थ वर्क, फिनिशिंग के बारे में हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप मिस मत करना गाइज। ओके, जो भी हमारा एस्टिमेशन सीट है गाइज, उसकी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे हमारा जो भी फाउंडेशन है उसका वर्किंग देखेंगे। ओके, उसमें जो जो एक्सकेवेशन वर्क, PCC वर्क, RCC वर्क, अर्थ वर्क, उसके बाद है हमारा प्लिंथ का जो भी वर्किंग है, उसके बाद हमारा आता है फ्लोरिंग वर्क। ओके, ये जो भी फैक्ट्स है गाइज वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे करने वाला हूँ। उसके बाद है हमारा BBM ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टर वर्क। उसके बाद उसके बाद आता है हमारा स्टाइल वर्क, यानी कि फ्लोरिंग वर्क हमारा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है गाइज। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का एक्सेल सीट है, इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल का जो स्टडी है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन टू टेरेस लेवल तक। उसमें आता है हमारा फाउंडेशन, फ्लोरिंग, ब्रिक वर्क या ब्लॉक मेसनरी वर्क, उसके बाद प्लास्टर वर्क, टाइल वर्क, फ्लोरिंग वर्क, उसके बाद है हमारा जो भी पेंटिंग वर्क, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइज। जो भी थंब रूल से एज ए साइट इंजीनियर आपको हम बताएंगे गाइज। उसके बाद आता है हमारा जो भी डोर एंड विंडो शेड्यूल, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उसके जो डिडक्शन होते हैं वॉल में से, प्लास्टर में से, सीलिंग से, तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइज। तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन टू टेरेस लेवल तक हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और ध्यान से देखना, अगर आपके पास टाइम होगा मिनिमम 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स, तो आप इसे देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइज। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्टील वर्क। जो भी स्टील का वर्क है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज वर्क। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइज। ये पूरा शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो वीडियो को मिस मत करना गाइज, बहुत सारी चीज़ें एज अ साइट इंजन आपको आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट पे। हर एक चीज़ आपको आनी ही चाहिए गाइज एज अ साइट इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी वर्किंग होता है हर RCC बिल्डिंग में, या फिर हमारे जो भी RCC डिज़ाइन में, जो भी एक फाउंडेशन से लेके हम वन बाय वन हर एक चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फाउंडेशन, प्लिंथ, फ्लोरिंग, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टर, टाइल्स, पेंटिंग वर्क में पूरा शेड्यूल उसका, उसके बाद डोर और विंडोज के बारे में, उसके बाद स्टील वर्क, ड्रेनेज वर्क, और पूरा शेड्यूल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हमारे अर्थ वर्क से। यहाँ पर आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेगी एज ए साइट इंजीनियर गाइज। तो वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होगी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ रेट एनालिसिस के ऊपर। जो भी हमारे प्लम्बिंग का रेट है गाइज, प्लम्बिंग का जो भी वर्क है उसके जो भी रेट्स है वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर एंडिंग में गाइज, वीडियो के एंडिंग में। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज,
वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में हम ये पूरा फॉर्मेट देखेंगे जो कि प्लम्बिंग वर्क के लिए है गाइस, ड्रेनेज वर्क के लिए, चैम्बर वर्क और उसके बारे में है गाइस, जो भी बिल्डर स्कोप है या फिर नहीं है वहाँ डिटेल में लास्ट के वीडियो के एंडिंग में देखेंगे गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, हर एक चीज़ वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में इस एस्टिमेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे आज स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी ब्रिक वर्क है या फिर सीमेंट कंक्रीट वर्क है, उसके बाद आरसीसी वर्क है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, यहाँ पर हमने देखा अर्थ वर्क और प्लेन सीमेंट कंक्रीट और उसके बाद आरसीसी के बारे में, फ्लोर डोर्स विंडो शेड्यूल के बारे में भी हमने देखा है। आज हम देखने वाले स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पर पहले हमने देखा यहाँ पर सब स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें देखा हमने जो भी पॉइंट्स इस्तेमाल किए उन्होंने हमको एक्सेल शीट में, वो यानी कि आपको इस्टीमेट शीट में पॉइंट आने चाहिए गाइस, जो कि आपको एक साइट इंजीनियर का रोल और ड्यूटीज़ होता है गाइस। ये ऊपर की चीज़ें गाइस, ये सब स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पर सब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम फिनिशिंग देखेंगे। उसके बाद सब स्ट्रक्चर में हमारा एक्सकेवेशन से लेके जो भी अर्थवर्क है वही आता है गाइस, सब स्ट्रक्चर में बिलो ग्राउंड लेवल होता है हमारा सब स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर होता है सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर और बीच में ग्राउंड लेवल, उसमें आपको अर्थवर्क एक्सकेवेशन के पॉइंट आएंगे, और उसके बाद जो भी प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग जो भी हमारे फाउंडेशन के लिए जो भी डिज़ाइन है, उसके बाद जो भी आपको फॉर्मवर्क यूज़ करना है वो आपकी क्वांटिटी वो निकालने आनी चाहिए गाइज। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रैंडम रबल मैसनरी, ये मैसनरी आपको प्रोवाइड करनी है, सीमेंट मॉर्टर लेना है 1:5 का। ओके, तो ये सारी सब स्ट्रक्चर में चीज़ें है गाइज, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। उसके पहले लास्ट पॉइंट हमारे सब स्ट्रक्चर का, वो है प्रोवाइडिंग एंड लाइंग हैंड पैक स्टोन फिलिंग सोलिंग विथ द स्टोन्स, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है हमारी, जो कि आपके प्रोजेक्ट में क्वांटिटी हो आप लेना गाइस। ये क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में होती है सोलिंग के लिए और अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थवर्क के लिए सभी क्वांटिटी आपके क्यूबिक मीटर में रहती है, आरसीसी और पीसीसी के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, आप चाहे तो हमारे पहले वीडियोस देख सकते हो, इसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको साइट पे ज़रूरी होती है, थंब रूल्स क्या होते हैं साइट के लिए, कौन सी रेशियोज़ और मिक्सिंग डिज़ाइन के ग्रेड होते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियोस मिल जाएगा गाइस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा ब्रिक वर्क है, वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड लाइंग सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन अ सीमेंट मॉर्टर, रेशियो इसका 1:3 प्लस एक्स्ट्रा। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल अप टू फ्लोर लेवल सेकंड लेवल, ओके जी प्लस टू, जब तक आए तक तो आपको एक क्वांटिटी निकालनी है ब्रिक वर्क की, इसका रेट आपको देना है, उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाएगा गाइज। ओके, इसका जो लेवल है जी प्लस टू की है, उसके बाद रेट चेंज करेगी वो, जो भी आपकी कॉन्ट्रेक्टर है बी ब्रिक वर्क के लिए, जो भी कॉन्ट्रेक्टर आपने लिया है उन्होंने। तो हर एक लोकेलिटी पे कंसेप्ट ये फैक्ट चेंज होती है, राइट चेंज होती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 40 mm ग्रेवल साइज है, उसके बाद वर्टिकल अराउंड वर्टिकल रेन्फोर्समेंट। तो ये थी गाइस हमारी जो भी 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करना है आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के लिए, 1:3:6 का मोटर रेशियो आपको सीमेंट पॉकेट, जो भी अराउंड द वर्टिकल साइड ऑफ रेनफोर्समेंट, इसकी जो भी क्वांटिटी आप निकल सकते हो, जो कि आपका रनिंग प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद है गाइस प्रोवाइड एंड फिक्सिंग प्रीकास्ट कंक्रीट 1:2:4 थ्रो स्टोन्स, ओके
उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन अ पोजिशन 1:1.5:3, ये हमारा M20 का ग्रेड है गाइस, 1:1.5:3। ये जो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन अ पोजिशन RCC M20 ग्रेड, उसके बाद इन अ लिंटेल रूफ प्लेन विंडो सील अप टू 1 लेवल एक्सक्लूडिंग एक्सेल यानी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग सेटरिंग एंड रेन्फोर्समेंट। आपको सेंटरिंग सेटरिंग एंड रेन्फोर्समेंट की कॉस्ट इसमें नहीं लेनी है, उसके कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ेगी गाइस। इसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो जो कि ऑन साइट आपको मिल जाएगी, ड्राइंग पे मिल जाएगी। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स F4 on 5 और RCC वर्क यूज़ करना है, इंक्लूडिंग कटिंग बेंडिंग बाइंडिंग स्प्लेसिंग इन अ पोजिशन कंप्लीट लिंटेल एंड रूप बैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। तो उसके बाद गाइस प्रोवाइडिंग थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, ओके ये और ये पॉइंट सेम है गाइस, ओके ये मिस्टेक है थोड़ी, ये सेम है गाइस ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो आपको TMT यूज़ करना है 4 on 5 का ऑन साइट, जो कि आपको डिज़ाइन में मेंशन किया है वो लेने का है गाइस, ओके। एज अ साइट इंजन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि साइट पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, डिज़ाइन और ड्राइंग्स से जो भी नाम से उसी के ऊपर आपको मटेरियल क्वालिटी और मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको लेना है, और जो भी मिक्सिंग ग्रेड है उसके ऊपर आपको वर्किंग करना होता है गाइस। एज अ साइट इंजन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइट पे जो भी थंब रूल्स है, जो भी रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं आपको यूज़ करने चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में आखिरी पॉइंट है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सेंटरिंग एंड सेटरिंग फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग ATC रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क लिंटेल रूफ बैंड। तो इसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको इंक्लूडिंग किया है यानी कि इसका कॉस्टिंग वही से इसमें इंक्लूड होगा, स्ट्रक्टिंग प्रॉपिंग एंड जिसका रिमूवल है वो भी कॉस्टिंग इसी में आ जाएगा गाइस। जो भी फॉर्मर का जो भी इसके स्क्वायर मीटर में यूनिट होता है वो आपको क्वांटिटी निकालनी है गाइस, जितना फॉर्मर चाहिए आपको उतना, और इसका लेट एनालिसिस करके आपको अमाउंट और कॉस्टिंग इसकी मिल जाएगी गाइस, जो कि हर एक बिलिंग और साइट इंजीनियर के लिए इसेंशियल चीज़ है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जो भी हमारा RCC वर्क है उसके जो भी फैक्ट्स है उसके बारे में। RCC वर्क में आपको TMT यूज़ करना पड़ता है 4 on 5 ग्रेड का, ओके वो जो क्वांटिटी हमारे केजीज में रहती है गाइस। उसके बाद जो भी हमारा RCC बीम्स और कॉलम्स के लिए जो भी हो सस्पेंडेड फ्लोर स्लैब के लिए वो आपको 1:1.5:3 का M20 का ग्रेड यूज़ करना है, और इसमें एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग सेटरिंग एंड रेनफोर्समेंट। तो एज पर स्पेसिफिकेशन एज पर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो भी आपके एजेंसीज है वर्किंग करने वाले वहाँ पर मेंशन करना होता है कि कौन सी कॉस्ट उसमें इंक्लूड है या वो कॉस्ट वहाँ पर कंसिडर नहीं की जा रही। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए गाइज आपको। उसके बाद है गाइज प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सेंटरिंग सेटरिंग फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग। उसके बाद फ्लोर के लिए हमारी लैंडिंग स्लेव्स और बालकनीज और सज्जेस के लिए क्वांटिटी दी गाइज 42 स्क्वायर मीटर। तो आपको बालकनीज और छज्जा के लिए जो भी सेटरिंग का यूज़ करना होता है, उसके बाद रूफ और लैंडिंग सस्पेंडेड फ्लोर जो भी कैंटिलीवर सपोर्ट है यानी कि बालकनी छज्जा एक्सटर्नल स्लैब होते हैं कैंटिलीवर के जो आपको कैलकुलेट करना होता है, और उसकी अलग से क्वांटिटीज निकाल के आपको अलग से उसका रेट एनालिसिस रेट लेके उसको कोटेशन का रेट लेके कोटेशन लेके उसका आपको रेट एनालिसिस करना पड़ता है और उसकी टोटल अमाउंट निकालनी पड़ती है गाइज। एक बिलिंग इंजीनियर और एक एस्टिमेशन इंजीनियर का वर्किंग होता है गाइज, ऑडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है वो।
उसके बाद है गाइस हमारा फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग में आप देख सकते हो, इसमें आपने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए मगर उसमें शॉर्ट में बनाया था मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी क्यूबिक मीटर में, ओके, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो पीसीसी यूज़ करने, 1:2:4 का एग्रीगेट साइज़ है हमारी 20 mm, और एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग सेटरिंग है, ओके, ए सी डब्ल्यू यानी कि सीमेंट वर्किंग के लिए हमारा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लाइंग मॉइस्चर बैरियर देने आपको प्लास्टिंग सीटिंग लेइंग करके 100 माइक्रोमीटर की उसकी ये होना चाहिए, उसका गैप होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी आपको निकालने आनी चाहिए गाइस। मॉइस्चर बैरियर वो आपकी प्लास्टिक सीट होती है गाइस वो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सैंड बेडिंग वाटरिंग लैमिंग एंड ड्रेसिंग। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ड्राई अर्थ बेडिंग इंक्लूडिंग कंसोलिडेटिंग ईच डिपॉजिटेड लेयर बाय वाटरिंग रैमिंग एंड ड्रेसिंग। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए गाइस जो कि फ्लोरिंग के लिए है। उसके बाद है आपको स्कर्टिंग का पॉइंट दिया है। स्कर्टिंग आपको जो भी वॉल के कॉर्नर्स में एंडिंग में होती है गाइस वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। उसका जो भी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसका रेट एनालिसिस होता है वो मीटर में, रनिंग मीटर में कैलकुलेट किया जाता है वो, ओके, रनिंग मीटर में। अगर इसकी टाइल्स वर्क की क्वांटिटी आपको स्क्वायर मीटर में ही निकालनी पड़ेगी कितने टाइल्स चाहिए वो। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लाइंग हैंड पैक स्टोन सोइलिंग सोलिंग्स विद द स्टोन्स, उसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी क्यूबिक मीटर में। तो एक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, क्यूबिक मीटर, इसका कन्वर्जन आपने नहीं देखा तो हमारे पहले वीडियोस में देख के लीजिएगा गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है जो कि क्वांटिटी के कन्वर्जन के, यूनिट कन्वर्जन के बारे में, क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में, आरसीसी डिज़ाइंस के बारे में। उसके बाद जो भी हमारा शेड्यूल, कॉलम फुटिंग, फाउंडेशन का जो भी शेड्यूल है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। 500+ वीडियोस आपके लिए लाए गाइस, ओके, 500+, आप इमेजिन कर सकते हो 500+ वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है गाइस। तो फ्रेंड्स उसके बाद है फिनिशिंग। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे गाइस, कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे फिनिशिंग में क्या क्या रहता है, ओके, पेंटिंग, प्लास्टरिंग वर्क, उसका फिनिशिंग, तो ये सारी चीज़ें हम फिनिशिंग में देखेंगे गाइज आने वाले पार्ट्स में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और हमारे पहले वीडियोस देख लेना जो कि फ्लोरिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, प्लास्टरिंग, टाइल्स, पेंटिंग, विंडोज़ और डोर का शेड्यूल, वर्क, स्टील वर्क, ड्रेनेज वर्क, ये सारी चीज़ें आपको डेली यूज़ में यूज़फुल होगी गाइस, जो डेली वर्किंग में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम फिनिशिंग कवर करेंगे, उसमें प्लास्टर और जो भी पेंट का, जो भी हम प्लास्टर और पेंटिंग के बारे में देखेंगे, जितने कोट इस्तेमाल करने हैं वहाँ पर। ये आपने ऑब्जर्व किया इसमें तो ये हमारा पेज 3 है आउट ऑफ 4। इसके पहले हमारा पेज 1 है आउट ऑफ 7। इसके पहले हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं गाइज, ओके, अगर आप चाहे तो पहले वीडियोस देख लेना गाइज। और ये हमारा थर्ड पेज है, इसके ऊपर हम ये जो बिल ऑफ क्वांटिटीज है गाइज, यहाँ पर आपको बस ये डिस्क्रिप्शन क्वांटिटीज और रेट अमाउंट, इसके ऊपर आपको टोटल कॉस्टिंग मिल जाएगी गाइज, जो कि बिल्डिंग की है, मटेरियल की है, वो कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए आप, मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं गाइज। तो जो शुरू करते हैं हमारे फिनिशिंग वर्क के बारे में। फिनिशिंग वर्क में हमारा पहला पॉइंट है गाइज प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ 6 mm सीमेंट प्लास्टर इन अ सीलिंग। मॉर्टर रेशियो हमारा 1:3। इसकी क्वांटिटी आपको सीलिंग की जो क्वांटिटी आपको स्लैब में मिल जाएगी गाइज, स्लैब का जो एरिया है आपको सीलिंग एज ए सीलिंग कंसिडर करना है, ओके।
उसको आपको 6 mm प्लास्टर देना है गाइस, सीमेंट प्लास्टर। उसके लिए मोर्टर रेशियो 1:3 सीमेंट और सैंड का। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे गाइस हमारे जो भी प्लास्टर वर्क है उसके बारे में। तब तक के लिए ये क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में, बाकी कई सारे क्वांटिटी हमारे क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर और क्यूबिक, बस स्टील हमारा एक केजीज में आता है गाइस, स्टील की क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स फिनिशिंग में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 15 mm सीमेंट प्लास्टर हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए। उसका सीमेंट मॉर्टर रेशियो 1:3। उसके बाद उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो आप इजीली। उसके बाद है हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 15 mm सीमेंट प्लास्टर, उसका मॉर्टर रेशियो 1:4। बस इसका रेशियो में डिफरेंस है गाइस, बाकी सेम है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग वाइट कलर वॉशिंग, वाइट वॉशिंग विथ लाइम न्यूयॉर्क 3 कोट्स। न्यू वर्क के लिए आपको 3 कोट में इस्तेमाल करना है गाइस, कहीं पर दो 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 कोट्स का इस्तेमाल है, कहीं पर 3 कोट्स का इस्तेमाल है गाइस। वो डिफरेंस है आपके एज जब आप वर्किंग करते हो उसमें आप अपने हिसाब से वर्किंग करना होता है गाइस। तो यहीं पर 3 कोट्स है, कहीं पर 2 कोट्स लिखा होता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फिनी एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट्स, एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर 2 कोट्स ऑन न्यू वर्क इंक्लूडिंग सीमेंट प्राइमर कोट। तो आपको फिनिशिंग के लिए एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर का यूज़ करना है। उसके जो भी क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हो इजीली। आपको बस वॉल एरिया लेना है और वॉल के सब एरियाज मेजर करने हैं, कितने ब्रास में वर्किंग होता है वो आपको बस कैलकुलेट करना है। और जो भी रेट है वहाँ पर हर एक लोकल एरियाज में रेट अलग अलग होता है गाइज, जिसको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट मिल जाएगी गाइज। तो पहले भी हमने वीडियोस इसके ऊपर बनाए गए, जब और आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना वो पार्ट्स। आखिरी पॉइंट है गाइज हमारा फिनिशिंग में, हो ये फ्रेंच पॉलिश 2 कोट्स ऑन अ न्यू वर्क टू डूअर। डूअर वर्क के लिए आपको फ्रेंच पॉलिश देनी है गाइज, जो कि उसको करोजन फ्री हो जाए, वो रस्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, अच्छा होता है, इसलिए वो आपको फ्रेंच पॉलिश देनी पड़ती है वहाँ पर 2 कोट्स में। कई बार वहाँ पर ऑयल पेंट भी इस्तेमाल करते हैं ऑन साइड गाइस, जो अपने अपने ऊपर होता है आपके साइट इंच साइट आपके बिल्डर के ऊपर होता है, कौन सा पेंट देना है या फिर ऑयल पेंट देना है या फिर फ्रेंच पॉलिश करना है उसको। कहीं पर पाउडर कोटिंग भी किए जाते हैं गाइस, पाउडर कोटिंग के मेटल पे किए जाते हैं, वो अलग से होती है गाइस। इसका एरिया आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। उसके बाद है गाइज हमारा डूअर और विंडोज कंपोनेंट, हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया है गाइज। डब्ल्यू यानी कि विंडोज वेंटिलेशन डूअर और D3 और D4 के लिए आपको बस विंडोज टाइप डब्ल्यू एज पर ड्राइंग प्रोवाइड करना पड़ता है, ऑल एसेसरीज इंक्लूडिंग होती है उसमें। उसके बाद आपको D3 यानी कि D4 या अलग अलग डायमेंशन के डोर है हमारे, आप ड्राइंग में देख सकते हो इसे। वेंटिलेशन जो भी आपको इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज कॉर्नेसेस पीसीसी सील कंप्लीट वर्क। तो ये सारी चीज़ें डोर और विंडोज कंपोनेंट्स में आनी चाहिए गाइस। इसकी क्वांटिटी हम यूनिट्स में मेजर करते हैं, डोर कितने होते हैं यूनिट्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में मेजर करते हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके डेली वर्क में। तो गाइस ये हमारा वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना गाइस। ये हमारा पूरा बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का शेड्यूल है गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे कि RC यानी कि RCC वर्क है हमारा। यहाँ पर आपको जो भी ग्रेड्स है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने हैं। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आप 1:1.5:3 का मिक्सिंग ग्रेड यूज़ करना है, जो कि M20 का ग्रेड है हमारा, और एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अप टू लेवल 5। ओके 5 स्टोरी तक आपका ये चार्जेस है, जिसमें आपको रेट
आपको जो भी आपकी जो भी एजेंसी आपके जो भी कॉन्ट्रेक्टर है वो आपको रेट देंगे यहाँ पर, आपको बस अमाउंट डालना है, रेट डालना है और उसका एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई किया तो। यहाँ पर आपको पहली बात तो इन कॉलम के लिए अलग है, फिर बीम्स के लिए, उसके बाद जो भी हमारे स्लैब्स के लिए, सस्पेंडेड फ्लोर्स रूफ्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ साइट इंजीनियर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसमें आप क्वांटिटीज निकालना तो पहले आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 49 क्यूबिक मीटर है, 56, ये क्वांटिटीज कैसे आई, इसके पहले हमने वीडियोस बनाए गाइस, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक इंजीनियर के लिए। पूरा आरसीसी शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि आरसीसी डिज़ाइन ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, उसके जो भी स्टील बार से कॉलम के शेड्यूल है, फुटिंग के शेड्यूल है, कॉलम लैपिंग जोन्स, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी गाइस, तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप नॉर्मली यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका मिक्सिंग ग्रेड है उसके हिसाब से। ये तो हुआ पहले कॉलम्स पिलर्स और पोस्ट स्ट्रट, उसके बाद है बीम्स लिंटर प्लेन विंडोज सील्स, जो भी हमारे बीम्स के लेवल से, उसके बाद है हमारे फ्लोर और स्लैब के रिलेटेड। ओके और ये पूरा हमारा एक्सक्लूडिंग ऑफ जो भी कॉस्ट ऑफ शटरिंग है, रेनफोर्समेंट है, उसके एक्सक्लूडिंग किया है गाइस, वो बीच में नहीं आएगा। ओके उसके बाद है गाइस हमारा अप टू फिफ्थ फ्लोर है, अब तो फिफ्थ फ्लोर है, जो भी हमारे लैंडिंग और टेप से आरसीसी के डिज़ाइन के बारे में, स्टेयर केस के बारे में है गाइस। अब तो फिफ्थ फ्लोर का ये चार्जेस होगा गाइस, जो कि आपका लोकल रेट होगा, यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस सिक्स, यानी कि वेब सीरीज, जैसा ही मैंने कहा था कि सीजन 1 2 3, पहले हमने देखा अर्थ वर्क, उसके बाद पीसीसी वर्क, उसके बाद हमने आरसीसी वर्क देखना शुरू किया है गाइस। इसमें आरसीसी वर्क का 6 पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, यानी कि TMT बार, हमारे हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ के बार होते हैं, 415, 500, 550 के आसपास, तो आपको यूज़ करना है 415 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास। उसमें इंक्लूडिंग होता है कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग इन अ पोजिशन कम्प्लीट, जो भी हमारा बार बाइंडिंग शेड्यूल है गाइस, उसके बारे में हम, जो भी स्टील का रेट है यहाँ पर आपको देना है, कितनी क्वांटिटीज है आपको निकलने आनी चाहिए गाइस, इसके पहले हमने वीडियोस बनाए, वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद है गाइस हमारा 7 पॉइंट, जो कि प्रोवाइडिंग फिक्सिंग सेंटरिंग और शटरिंग के बारे में, फॉर्म वर्क के बारे में, इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग प्रॉपिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन पैड्स, जो भी हमारा फॉर्म वर्क है उसका जो भी क्वांटिटी है वो आपको निकालना आना चाहिए गाइस। इसके पहले मैंने हर एक चीज़ पे क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, क्वांटिटीज के ऊपर हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपना होम, अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ओके तो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है गाइज, आप अगर चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियोस देख लेना उसका। आपने इस एक्सेल शीट में एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो हमने लिए जो भी बीम्स कॉलम्स फ्लोर स्टेयर केस के बारे में, जो भी हमारा कंक्रीट वर्क है उसके बारे में, उसमें हमने कंक्रीट वाला डिस्कस किया पहले, उसके बाद हमने डिस्कस करने वाले हमारे TMT बार्स के बारे में, जो भी हमारे कटिंग एंड बेंडिंग एंड बाइंडिंग के लिए, उसमें हम फाउंडेशन कॉलम बीम्स स्लैब और स्टेयरकेस के बारे में हम सेपरेटली इसका कॉस्ट लेते हैं गाइस। ओके आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़ कैसी होती है। पहले तो हमने कंक्रीट का डिज़ाइन किया, फिर हम स्टील का डिज़ाइन करेंगे कॉलम बीम्स स्लैब्स और सेटरिंग के बारे में, स्टेयर केस के बारे में सॉरी।
तो ये चीज़ आपको एज अ साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर हमने M20 का ग्रेड यूज़ किया है नॉर्मली। ओके, उसके बाद हम TMT बार यूज़ करेंगे, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड 415 स्ट्रेंथ, ये भी 415 ये भी 500 के आसपास, जो भी आपके डिज़ाइन में दिया होगा वो तो आपको समझ में आएगा। ये पहले तो कॉलम, बीम्स, स्लैब्स और उसके बाद स्टेयर केस और लैंडिंग के लिए आपने RCC का वर्क लिया, कंक्रीट का। अभी आप जो भी हमारे स्टील का सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, फॉर्म वर्क का सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉडिंग, फिक्सिंग और फॉर्म वर्क, जो कि कॉलम, फाउंडेशन, लिंटेल, बीम्स और स्लैब्स और लैंडिंग के और स्टेयर केस के लिए होगा वो। तो आप ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये पूरा हमारा कंक्रीट और नीचे वाला हमारा फॉर्म वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारा RCC वर्क है, उसमें हम 10 to 11 पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस किए वाले, जिसमें हम यूनिट होता है स्क्वायर मीटर या फिर हमारा जो भी क्यूबिक मीटर में यूनिट है उसके जो भी कन्वर्जन है। सी गाइस, यहाँ पर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे हुए, तो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ का यूनिट में कन्वर्जन देखा है हमने। यहाँ पर आपको देखना चाहते तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 ब्रास होता है, 1 ब्रास इक्वल टू 2.83 ब्रास होता है। ये पहले वीडियोस में हमने डिटेल में देखा है गाइस, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए गए, जो कि 1 ब्रास इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब और जो भी कन्वर्जन है मीटर क्यूब का क्यूबिक फीट में, उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए गए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे गाइज, वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले आपके लिए। यूनिट कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, जो भी साइट इंजीनियर के थंब रूल्स है वो आपको आने ही चाहिए गाइज। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक यूनिट का जो भी कन्वर्जन है वो आपको आने चाहिए। ओके, RCC स्टोन मैसनरी वर्क, ब्रिक मैसनरी वर्क, फ्लोरिंग वर्क, उसमें जो भी कन्वर्जन है क्यूबिक मीटर टू ब्रास, ब्रास टू हमारा जो भी फीट क्यूबिक फीट है, हमने वहाँ पर देखा था गाइस, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था 1 मीटर बॉक्स का, जिसमें हम 35 ब्रास की सैंड हो या फिर कोई भी वर्क हो वहाँ पर देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए, जो कि बिलिंग एंड एस्टिमेशन हो, उसका क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, उसका कन्वर्जन आना चाहिए, उसके बाद उसका जो भी रेट एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। रेट एनालिसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर इन अ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपके लिए रेट एनालिसिस के ऊपर पूरा एक डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट या फिर एस्टिमेशन के लिए। तो इनका जो वर्क होता है रेट एनालिसिस करके, उसका जो भी बेस्ट रेट है उसका कोड कोटेशन निकाल के उसको देना पड़ता है साइट इंजीनियर एज अ बिल्डर्स को। तो आपको फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन तो मेन आना चाहिए, वो यूनिट कन्वर्जन बेसिक पार्ट है आपके लिए। उसके बाद जो भी रेट एनालिसिस है वो भी आना चाहिए और एस्टिमेशन शीट बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा RCC का बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए पार्ट, ये हमारा पेज 2 है आउट ऑफ 7। तो ये जो हमारे फैक्टर्स है गाइज, आपने जो भी देखे होंगे डिटेल में, तो आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे, जो भी यूनिट कन्वर्जेंस के आसपास है RCC ड्राइंग के ऊपर है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। वीडियो को अगला पार्ट में देखेंगे हमारा जो भी स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी वर्क के बारे में। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करो गाइज़, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है गाइज़। यहाँ पर हर एक एक्सेल शीट और प्लानिंग के एस्टिमेशन शीट यहाँ पर आपको मिलेगी गाइज़, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो हमारा स्टोन मशीनरी में जो वर्किंग होता है गाइज,
पहले तो आपको टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आपको साइट वर्क इजीली आ जाएगा गाइस। पहले तो आपको टेक्निकली सब टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इजीली समझ में आ जाएगा गाइस। तो पहला हमारा पॉइंट है गाइस, स्टोन मैसनरी वर्क में प्रोवाइडिंग एंड लेइंग हैंड पैक सोलिंग अंडर द फुटिंग एंड फाउंडेशन के लिए। जो भी हम सोलिंग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो भी आपको क्वांटिटी निकालने आने चाहिए, इसकी फ़िलहाल तो क्वांटिटी 34, आपकी जो भी साइट है उसके ऊपर आपको डिपेंड उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, वो होती है हमारे क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटीज है यहाँ पर यूनिट लिखना है आपको। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की तरफ से। ये जो स्टोन मैसनरी और ब्रिक्स मैसनरी का वर्क है, आपको इसका जो मॉर्टर रेशियो 1:4 सीमेंट मॉर्टर रेशियो, उसके बाद में आपको डिज़ाइन करना है। आपको पहले तो क्वांटिटी निकालनी है, जो भी रेट है वहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा गाइस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए दोनों का, ब्रिक वर्क और मैसनरी वर्क के लिए। इसमें आप देखोगे तो आपको एक रैंडम रबल मैसनरी, एक कोर्स रबल मैसनरी, यही डिफरेंस है दोनों में। ये तो हुआ हमारा SM यानी कि स्टोन मैसनरी वर्क, उसके तीन पार्ट। इसकी क्वांटिटी निकाल को आपको इस्टीमेशन निकालना है उसका। उसके बाद है हमारा गाइस ब्रिक वर्क, ब्रिक मैसनरी वर्क। उसमें आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपको मैंडेटरी टर्म्स है एज अ बिल्डर्स के हिसाब से आपको वो ब्रिक ऑर्डर करनी है गाइस। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स वर्क सुपर स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल टू ऑल फ्लोर्स। सीमेंट मॉर्टर रेशियो आपको 1:4 का यूज़ करना है गाइस। उसके बाद है सेकंड क्लास ब्रिक वर्क 125 mm इन अ सुपर स्ट्रक्चर। ये हमारी गाइस होती है 125 mm की, यानी कि 4 इंच वॉल और ऊपर होती है हमारी 9 इंचेस की वॉल। तो इसकी क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए आपको, जो कि पहले हमने डिस्कस की है पहले वीडियोस में, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हो या फिर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे जो भी 9 इंचेस की वाले आउटर वाले 185 क्यूबिक मीटर आई, और हमारे जो भी 4 इंचेस इंटरनल वार्स होती है, हमारी थिकनेस कम होती है उसके, वो आई है 300 स्क्वायर मीटर। आप देख सकते हो जो कि हमारा थिकनेस 15 सेंटीमीटर के नीचे गया है, तो उसको हम लेते हैं स्क्वायर मीटर में। और अगर हमारा थिकनेस ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर तो आप उसको लेते हैं क्यूबिक मीटर में। तो 150 mm से आपका थिकनेस ज़्यादा है तो हम लेंगे स्क्वायर मीटर में, 150 mm से थिकनेस ज़्यादा है तो हम लेंगे क्यूबिक मीटर में, अगर कम है तो लेंगे हम स्क्वायर मीटर में। तो ये डिफरेंस है स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है हमारा फ्लोरिंग वर्क, जो कि फ्लोरिंग के टाइल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम उसके लिए। पहले तो आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी है, या फिर FL इसका शॉर्ट फॉर्म कोडिंग वर्क है, FL61। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग हैंड पैक स्टोन मैसनरी स्टोरिंग हैंडल द फ्लोर्स, ओके। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सैंड बेडिंग। उसके बाद है हमारा मॉइस्चर बैरियर यूजिंग प्लास्टिंग सीटिंग, जो भी आपका डैम्प प्रोस या फिर मॉइस्चर बैरियर आपको केमिकल्स मिलता है वो प्रोवाइड करना है गाइस। तो 200 माइक्रोमीटर। तो एक फ्लोरिंग में वर्क के लिए डिस्कस करने वाले हम अगले पार्ट में गाइस डिटेल में। तब तक के लिए आप ये देख लेना, हमारे पहले वीडियोस देख लेना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और एक बात गाइस, फ्लोरिंग वर्क में आता है गाइस हमारा जो भी प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट यूज़ करना है उसको, एक्सक्लूडिंग द सेंटरिंग एंड सेंटरिंग वर्क ऑल फ्लोर्स अप टू प्लिंथ लेवल।
या फ्लोरिंग के लिए आपको बस क्वांटिटी निकालनी है, यहाँ पर आपको रेट से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो भी अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, उसके बाद है गाइज जो भी मॉइस्चर बैरियर आपको प्रोवाइड करना है 100 माइक्रोमीटर, जो भी आपको स्पेसिफाई किया है वो आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी है स्क्वायर मीटर में। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ सैंड बेड इंक्लूडिंग वाटरिंग ट्रैपिंग एंड टेसिंग। सैंड ब्रेड को बेडिंग प्रोवाइड करनी है सैंड की, तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ अर्थ बेडिंग कंसोलिडेटिंग ईच डिपॉजिटेड लेयर वाटरिंग रैमिंग एंड ट्रेसिंग, इसके अलग सी क्वांटिटी है गाइस। उसके बाद है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर 1:2:4 नीट सीमेंट और 25 mm थिकनेस के लेना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए। आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे, जो भी बिलो क्वांटिटीज़ के पहले पार्ट है गाइस, बिलोंग ऑफ क्वांटिटीज़ के, ये हमारा थर्ड पेज है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये आप पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद है गाइस हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ सीमेंट प्लास्टर स्कर्टिंग लेस देन 30 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद है सीमेंट मोटर यूज़ करना है 1:3 प्रोपोर्शन का। नीट सीमेंट यूज़ करना है, सीमेंट आपको बस सीमेंट और पानी मिक्स करना है उसको। राउंडिंग ऑफ जेंसन विथ द फ्लोर 20 mm, उसकी क्वांटिटी है गाइस स्कर्टिंग, यानी कि आपको पता होता है जो कि स्कर्टिंग लेवल है हमारे के वॉल के एंडिंग में कॉर्नर्स में आता है, उसको स्कर्टिंग हम बोलते हैं। वो उसकी क्वांटिटी निकाल के आपको जो भी लोकल आपके कोटेशन के रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। उसका एस्टिमेट आपको इजीली निकाल सकते हो गाइज एज अ बिलिंग इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको ये साइट के लिए, आपके लिए और आपके वर्किंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारे पेंटिंग वर्क और ड्रेनेज वर्क के बारे में, जो भी कंसेप्ट होता है उसमें, जिस तरह के हम पेंटिंग के मटेरियल और पेंटिंग के रेट के ऊपर पहले भी वीडियोस हमने बनाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उसमें सब डिस्कस किया है उसका, पेंटिंग वर्क कैसे करते हैं, कितने कोड में कौन सा पेंट यूज़ करना चाहिए, करोजन के लिए कौन सा पेंट होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना कर लेना गए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पेंटिंग वर्क के बारे में। एक साइट इंजीनियर के लिए आपको पहले तो क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए हर एक चीज़ की, पेंटिंग फ्लोरिंग प्लास्टर ब्रिबियम वर्क बीस मैसनरी वर्क, उसके बाद फाउंडेशन फुटिंग कॉलम बीम सबकी आपको क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर में, इसका कन्वर्जन आना चाहिए जो कि बेसिक है आपके लिए। पीटी यानी कि पॉइंटिंग वर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीटी, यहाँ पर 0.1 यानी कि प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट्स एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर 2 कोट्स ऑफ फॉर न्यू वर्क इंक्लूडिंग सीमेंट प्राइमर कोट। पहले तो आपको सीमेंट प्राइमर कोट देना है, उसके बाद आपको 2 कोट देने डिस्टेम्पर के। ओके, एक्रेलिक डिस्टेम्पर जो भी पेंट है हमारा, इनेमल या फिर एसी एशियन पेंट जो भी वर्क है हमारा वो देना है आपको। तो इसकी क्वांटिटी आप आपके जो भी आपको प्रोजेक्ट है वहाँ से निकाल सकते हो, जो भी रूम डायमेंशन है आपकी, हॉल की डायमेंशन है, जो कि आपके एरियाज है उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए, कैसे क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे करते, क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर इसका रेट आपने एरिया में जो भी कोटेशन आपके पास आया होगा लेबर कॉन्ट्रेक्टर से, या फिर आपका जो भी पेंटिंग का जो भी कॉन्ट्रेक्टर एजेंसी है वहाँ से आपका रेट जो भी कोटिंग किया होगा, कोटेशन आया होगा उसका, उसके ऊपर आपको रेट एनालिसिस करके
अमाउंट मिल जाएगा आपको। तो एज ए साइट इंजीनियर, एज ए बिलिंग इंजीनियर, एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि बेसिक होती है हर एक चीज़ के बारे में। सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए गाइज। उसके बाद देखें कि हम प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट्स विद वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट न्यू वर्क 3 कोट। जो भी नया काम है हमारा, पहले तो पॉलिश वर्क, पॉलिश पेपर से आपको रब करना पड़ेगा सब पेपर। उसके बाद आपको पेंट या प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद पुट्टी यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद वाटर प्रूफिंग पेंट पहले यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले भी पहले आपको वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट, अगर लगता है बाथरूम वॉशरूम के साइड में, अगर कोई स्पेस आपको लीकेज प्रूफ दी, लीकेज के लिए होता है वो, तो लीकेज प्रूफ के लिए आपको एक वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट देना पड़ता है गाइज। इसका एरिया, डैम प्रूफ कोर्स और वाटर प्रूफ कोर्स अलग अलग होते हैं गाइज। ओके, अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा पेंटिंग वर्क में तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग 1 कोट ऑफ प्राइमर वुड वर्क पिंक प्राइमर। यानी कि आपको 1 कोट ऑफ प्राइमर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ है यहाँ पर आपको मिलेगी ऑन प्रोजेक्ट साइट जो भी होगी आपकी, उसका राइट एलेट एनालिसिस के हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा उसका। तो एक कैलकुलेट करनी है आपको क्वांटिटी एक्चुअल में, और फिर उसके बाद रेट एनालिसिस करके अमाउंट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग मिल जाएगा उसका। आपको जो जो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी वो आपको बता रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंटिंग पेंटिंग वर्क में कितने पॉइंट आपको कैलकुलेट करने चाहिए, फ्लोरिंग वर्क में कितने पॉइंट आपको कैलकुलेट करने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए। अगर आपने हमारे पहले वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेज 7, 6 out of 7 है। पहले 6 पेज का पूरा डिटेल हमने पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है गाइज। पेंटिंग वर्क में हमारा अगला पॉइंट है गाइज प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट सिंथेटिक इनेमल फॉर स्टील वुड वर्क 2 कोट्स फॉर ऑन न्यू वर्क। जो भी नया वर्क है आपको वहाँ पर 2 कोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंथेटिक इनेमल है स्टील और वुड के लिए, जो कि अलग अलग पेंट होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं गाइज। इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो आप। प्रोवाइडिंग है ना अप्लाइंग वुड स्टेन्स वार्निशेस पॉलिशेस सिंथेटिक वार्निश 2 कोट्स इंक्लूडिंग कोट वुड फिलर ऑन अ न्यू वर्क। तो वुड फिलर का भी यूज़ करना है आपको, उसके बाद सिंथेटिक वार्निश या फिर पॉलिशेस आपको यूज़ करने हैं। तो उसके जो भी क्वांटिटी होती है आप निकाल सकते हो ऑन साइट जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उससे। तो ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है गाइज प्रोवाइडिंग एंड प्रिपेयरिंग अप्लाइंग डैंक्स ऑन वॉशेबल पेंटिंग और टू कॉर्निशेस डिंग। जो भी आपने कॉर्निश पॉइंट होता है जो कि रूफिंग और जो भी हमारे विंडोज़ या विंडोज़ लेवल के आगे जो भी कॉर्निश का जो पॉइंट होता है वहाँ पर आपको यूज़ करना है गाइज। इसका जो भी स्क्वायर मीटर में एरिया होगा वो आपको एज अ छज्जा, यानी कि जो भी आपका छज्जा है कॉर्नेसेस से वहाँ पर आपको इसका एरिया निकाल सकते हो आप स्क्वायर मीटर में। पेंटिंग का हर एक एरिया आपको स्क्वायर मीटर में ही मिलेगा गाइस, थिकनेस कम होती है इसलिए आप उसको स्क्वायर मीटर में लिया जाता है वो। तो ये सारे पेंटिंग के पॉइंट है गाइस आपको को ध्यान में रखने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद हमारा पेंटिंग में एक लास्ट का पॉइंट बचा है गाइज, वो एक प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग प्लास्टिक इमल्शन पेंट फॉर सीमेंट मैसनरी प्लास्टर 2 कोट्स ऑन अ न्यू वर्क। जो भी नया वर्क है आपको पहले तो 2 कोट्स तो मिनिमम इस्तेमाल करने हैं वहाँ पर। जो भी प्लास्टिक इमल्शन पेंट है आपको वॉल के लिए, मैशनरी वर्क के लिए प्लास्टर के ऊपर यूज़ करना है। अलग अलग पेंट के टाइप है, मटेरियल से उसके उसके जो रेट से अलग अलग है गाइस, अलग अलग एरियाज में डिपेंड अपॉन योर एरियाज जो भी रेट है वो आपको वहाँ से लेने हैं बिना मार्केट से, मार्केट रेट जो भी हो और वहाँ से कंसिडर करके आपको अमाउंट मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी बातें पेंटिंग वर्क के लिए है गाइस, आप वो ध्यान में रखना, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
तो फ्रेंड्स आप देखेंगे आज ड्रेनेज वर्क के बारे में। इसमें आप DR इसका शॉर्ट फॉर्म है, कोड है इसका 12, यानी कि 12 नंबर ऑफ हमारा वर्किंग है इसका। इसमें आप देख सकते हो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 50 mm थिक प्लिंथ प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडेड विद द फाइन एंड सैंड मिक्स इंक्लूडिंग वेल रैम्ड फिनिशिंग एंड टॉप स्मूथ विद मिक्सिंग ग्रेड 1:3:6 लेड ओवर 75 mm थिक लेयर ऑपो कॉम्पैक्टेड ग्रेवल। तो ड्रेनेज ओवर के लिए आपको ये करना है गाइस, जो कि इसका रेशियो 1:3:6 मोटर का सीमेंट मिक्सिंग का रेशियो है कंक्रीट का। इसकी जो क्वांटिटी आप निकल सकते हो जो कि आपका ऑन साइट प्रोजेक्ट होगा उससे, ये ड्रेनेज वर्क के लिए क्वांटिटी है गाइस, एक चीज़ याद में रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें गाइस, सेकंड ब्रिक्स क्लास ब्रिक मास ड्रेन 1:4 इंक्लूडिंग एन 100 mm थिकनेस कंक्रीट ब्रेड 1:5:10 इसकी जो एग्रीगेट थिकनेस है। उसके बाद 25 mm थिकनेस 1:2:4 12 mm एग्रीगेट फिलिंग हंचेस इंक्लूडिंग 12 mm प्लास्टरिंग 1:4 विद अ कोट नीट सीमेंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ 250 by 300 mm डेप्थ। तो ड्रेनेज वर्क के लिए दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस, एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये करना है साइट पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, ये क्वांटिटी आएगी हमारी स्क्वायर मीटर और ए मीटर में, रनिंग मीटर में। तो गाइस एज अ साइट सिविल इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर, रेट एनालिसिस करते टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए गाइस। रेट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट थिंग हर एक चीज़ में, मार्केट में या फिर हर एक बिजनेस में रेट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स गाइस। रेट एनालिसिस के ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड है गाइस, एक साइट इंजीनियर का नहीं, एक आम आदमी भी रेट एनालिसिस के ऊपर हर एक चीज़ डिपेंड है गाइस। अगर आपको रेट एनालिसिस करना आता है, बार्गेनिंग करना आता है, तो आप मार्केट में टिक पाएंगे और आपका प्रॉफिट अच्छे से होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजन आपको पता होनी चाहिए, पेंटिंग वर्क, ड्रेनेज वर्क, हमारे जो भी फ्लोरिंग वर्क है उसके बारे में, उसके बाद RCC वर्क, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में कुछ, हर एक वीडियो के एंडिंग में मैं कुछ थंब रूल्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपके काम आए गाइस। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लम्बर वर्क के बारे में, यहाँ पर 3 BHK फ्लैट के बारे में गाइस, इसका पूरा बाथरूम, किचन, टेरेस, उसका पूरा CP फिटिंग होता है, सेंटर पाइपलाइन फिटिंग होता है, ड्रेनेज वर्क होता है, उसके बारे में। उसका जो यहाँ पर रेट है गाइस महाराष्ट्र में, वो है 24,500 वन नंबर्स के लिए 3 BHK फ्लैट, जिसका एरिया है हमारा 900 to 800 square feet के आसपास रनिंग कारपेट एरिया। तो इसका जो 900 square feet एरिया के लिए आपको 24,500 पे करना पड़ रहा है गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा RCC ड्रेनेज लाइन, जो कि हम ड्रेनेज बनाते हैं 1 running feet के लिए 105 रेट है, उसके बाद 8 inches के ऊपर है, 10 inches, 12 inches, जैसे इंचेस ज़्यादा हो गए रनिंग
ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए आपको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। 1 इंच 6 इंचेस पाइप के लिए 105 है, 8 इंचेस के लिए 115, 10 इंचेस 135, 175, इस तरह आपको रेट चेंजेस होते हैं गाइज। तो एक था हमारा प्लम्बिंग वर्क गाइज, ये आपको देख सकते हो इसमें। अगर आपने हमारे ये वीडियोस नहीं देखे जो कि फाउंडेशन प्लिंथ फ्लोरिंग जिसका हमने बिल ऑफ क्वांटिटी डिटेल में किया है गाइज, ओके, और मेन बिल्डिंग का भी हमने बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइज। तो फ्रेंड्स, ये जो चेंबर वर्क है हमारा प्लम्बिंग में, वहाँ पर आप देख सकते हो जो कि चेंबर की साइजेस है उसके हिसाब से आपके जो भी रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं गाइज। यहाँ पर पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट, यहाँ पर चेंबर की साइज है 300 बाय 300, तो इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से 1.5 फीट हाइट, उसके लिए 850 रुपीज़ 1 क्वांटिटी के लिए, 1 चैम्बर के लिए। 450 बाय 600 के लिए 3 फीट हाइट 2250 रुपीज़, रुपीज़ में हमारा चलन है इसलिए रुपीज़ में। 600 बाय 600 यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट के लिए चेंबर बनाना हो आपको 3 फीट हाइट का, तो अप्रॉक्सीमेट 2450 अमाउंट लगेगा, 2500 के आसपास। और आपको 3 फीट बाय 3 फीट का चेंबर बनाना है, 3 फीट बाय 3 फीट, तो आपको देने के पड़ेंगे 5 फीट हाइट के लिए 3350, 3550, तो ये रेट है गाइज नॉर्मल। तो उसके बाद है गाइज एक्सकेवेशन साइट डिपार्टमेंट प्लम्बर हेल्पर। अगर अब प्लम्बर का रेट वन डे की पेमेंट शेड्यूल देखा जाए तो वन डे के लिए उसको 700 रुपीज़ देने पड़ते, और हेल्पर के लिए उसको 450 रुपीज़ देने पड़ते गाइज। एक कोटेशन है गाइज रही एक्चुअली, आप एक कोटेशन आपके हिसाब से रीशेड्यूल और कॉस्ट शीट चेंज कर सकते हो। ये प्लम्बिंग का कोटेशन है एक्चुअल में, ये अमाउंट चेंज करने के बाद ये आपके लोकल एरिया में जो अमाउंट है वो आप ले सकते हो, और ये इस्टीमेट आपको एक्सेल शीट बना सकते हो इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, कौन से एरिया में कौन से रेट होने चाहिए, कौन सी मटेरियल के अच्छे क्वालिटी के, और प्लम्बिंग के डिटेल भी आपको पता होने चाहिए हर एक प्लम्बिंग के ऊपर। उसके बाद मेन फैक्ट है गाइज, ये जो कोटेशन है हमारा उसकी, यहाँ पर नोट में लिखा है उन्होंने, एक्सकेवेशन वर्क एज पर बिल्डर स्कोप, जीआई वर्क एक्स्ट्रा रनिंग फीट, ड्रेनेज वर्क 50% एज अ टोटल वर्क, कंसोलिडेशन ऑफ वर्क 30%, एक्सटर्नल वर्क 30%, सीपी फिटिंग 25%, फाइनल एंड टेस्टिंग वर्क 5%, चेंबर हाइट इंक्रीज फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी गाइज, 50%, 30%, 20%, 5% लास्ट में। पहले तो आपको 50% देने हैं कंसोलिडेटेड वर्क के लिए 40%, उसके बाद 30%, 25%, 5%, ये आपको ये नोट पे लिखा है गाइज उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइस, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइस। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैलसी की लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइस, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइस। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइस।